हेनिंग्सवी लोफोटेन मछली पकड़ने की नब्ज है। और आज का ट्रेंडिंग प्लेस, मछली के सिर। नाइजीरिया में मछली के सूप में बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इटली के लिए सूखे मछली के लिए हेनिंग्सवार को एक गांव के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है, जो पूरी तरह से स्थानीय और काफी अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। आइए हम आपको इस मछली पकड़ने वाले समुदाय के अनूठे दौरे पर ले जाएं। लोफोटेन में हेनिंग्सवाया एक सदी से भी अधिक समय से तट के किनारे सबसे व्यस्त मछली पकड़ने वाले समुदायों में से एक रहा है। हेनिंग्सवा का बंदरगाह लंबे समय से मछली उतारने, मछली की कीमतों के बारे में अफवाहों का व्यापार करने और इस महत्वपूर्ण शीतकालीन मछली पकड़ने की नब्ज को महसूस करने का स्थान रहा है। देश के सबसे धनी और सबसे आत्मनिर्भर युवाओं ने साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पैसे बचाने के लिए अत्यधिक लंबे समय तक कॉर्ड जीप काटने का काम किया है। मछली प्रसंस्करण हाल ही में एक अधिक बांझ, एकांत और अगोचर प्रक्रिया में विकसित हुआ है। हेनिंग्सवा ने कलाकारों, शिल्पकारों और पर्यटकों को आकर्षण बनाया है। शब्द वेर या फिस्केवर उत्तरी नॉर्वेजियन बोली में प्रयोग किया जाता है। यह एक मछली पकड़ने वाले समुदाय को संदर्भित करता है। एक विशिष्ट मछली पकड़ने वाले समुदाय में एक संरक्षित बंदरगाह, एक या एक से अधिक मछली कारखाने और घरों का एक भीड़भाड़ वाला पड़ोस शामिल है। कोई भी स्थान हेनिंग्सवा से अधिक फिस्केवर भावना को प्रकट नहीं करता है, जो कई द्वीपों पर स्थित है और एक बंदरगाह को घेरता है। पुराने गोदाम और मछली कारखाने, उस समय से जब बड़ी मात्रा में मछलियां यहां उतरती थी बंदरगाह के सामने, उनमें से कुछ को आवास, कला स्थलों और भोजन प्रतिष्ठानों में बदल दिया गया है। गर्मियों में जब मछली पकड़ना अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, पर्यटन धीरे धीरे जोर पकड़ता है और रोजगार पैदा करता है। आज आप पूरी दूरी कार या बस से यात्रा कर सकते हैं, बड़े पत्थरों और लगभग उपजी चट्टानों के साथ चट्टानी तटों को पार करते हुए। 1983 में नॉक की जगह लेने वाला आश्चर्यजनक एक लेन पुल शोपीस है। यदि आप एक छोटे से लेबाय पर आते हैं तो कार से बाहर निकलें और पुल के आर्च को पकड़ने के लिए अपने कैमरे का उपयोग करें। हेनिंग्सवाया एड्रेट्सलैग स्टैडियन, जो केवल शौक या फुटबॉल के लिए उपयोग किया जाता है, हेनिंग्सवा के नॉर्वेजियन मछली पकड़ने वाले समुदाय में है, जो लोफोटेन के तट पर दो छोटे द्वीपों पर स्थित है। इसका कोई स्टैंड नहीं है और यह कुछ मीटर टर्मैक से घिरा हुआ है, लेकिन सेटिंग शानदार है। आने के बाद आप बंदरगाह के पश्चिमी किनारे पर टहलना शुरू करते हैं। हेनिंग्सवाया पुराने और नए का एक चिकना विचित्र रूप से स्वदेशी मिश्रण है।
एक दूसरे के बगल में बहुत कम सीधी रेखाएं और कुछ घर होते हैं जो समान आकार, रंग या शैली के होते हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि जब आप घूमते हैं तो लोग यहाँ रहते हैं। जब हम सेटिंग में होते हैं जो हमारे घरों से बहुत अलग होते हैं, तो हम कभी कभी अनुचित चीजें करते हैं, जैसे लोगों के रहने वाले कमरे में झांकना या निजी उद्यानों में प्रवेश करना। नतीजतन, घर वापस सड़क पर सामान्य रूप से टहलें और जो भी आप देखते हैं उसे सिर हिलाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।